कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज शाम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। आज ये दिन ट्यूसडे और डेट है आज 25 मई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सब्जी खरीदने के लिए बाहर। तो मैंने सोचा आप लोगों को लेके ही चलती हूँ, क्योंकि हर चीज़ में आप लोग तो मेरे साथ रहते ही हो फ्रेंड्स जी। बहुत सारा खरीदना है क्योंकि बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। तो हस्बैंड अभी ऑफिस से आए हैं तो मैंने कहा चलो सब्जी खरीदने चलते हैं। वैसे हमारे गली में तो सब्जी लेके आते हैं, लेकिन आज एक भी सब्जी वाला भैया नहीं आए हैं। तो अभी मजबूरी में हमें बाहर जाना पड़ेगा और हमारे यहाँ से थोड़ा ही दूर आगे जाके ही सब्जी मिलेगा। तो वहाँ पे चलेंगे गाइस, तो वहाँ से देखते हैं क्या क्या सब्जी मिलता है और क्या क्या लेके आते हैं। गेट के बाहर निकलते हुए ही ना रोड के साइड ऐसे सबके घर के सामने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के रखे हैं, तो सब अपने घर के सामने जिसको जो मन हुआ वो लगाया है। तो मैं भी सोच रही हूँ यहाँ पे थोड़ा घास है और थोड़ा फूल के पौधे हैं, तो फूल के पौधे तो रख दूंगी, घास साफ करके कुछ सब्जियाँ लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं सबके घर के सामने थोड़ी थोड़ी ऐसी जगह है, तो जिसका जो मन हुआ वो लगाया है। गाइज हम सब्जी लेके घर पे आ गए हैं। सब्जी जब बाहर लेने गए थे ना तो वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या क्या सब्जी लेके आई हूँ वो आपको अभी दिखाऊंगी। और रियान थोड़ा सा अपसेट है, रो रहा है, वो भी वीडियो के सामने आएगा और मेरे गोद में ही बैठेगा। तो मैं कह रही हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी तो गोद में बैठेगा तो कैसे दिखाऊं, इसलिए देखो मुझे बना के बैठा है। तो देखिए ये तरबूज लेके आए हैं और ये सब्जी के साथ धनिया पत्ता फ्री दिया है। आप जब सब्जी खरीदने जाते हो आपको धनिया पत्ता फ्री देता है कि नहीं बताना मुझे, मैं तो जरूर लेती हूँ सब्जी वाले भैया से धनिया पत्ता अलग से मांग के। और शिमला मिर्च लिया है और ये लिया है कटहल और ये नींबू लिया है, लहसुन और ये भिंडी और ये छोटा वाला बैगन, ये मसाला बैगन बनाएंगे इसलिए, और टमाटर प्याज आलू है इस बैग के अंदर। और मैंने अलग से धनिया पत्ता भी खरीदा था क्योंकि मुझे चटनी बनाना है और सब्जी में मैं डालती हूँ धनिया पत्ता, इसलिए धनिया पत्ता मुझे ज़्यादा चाहिए होता है। तो इतना ही सब्जी लिया है। अभी ये सारे सब्जियों को अच्छे से वॉश करके फिर सुखा के फिर फ्रीज में रखूँगी। तो गाइस अभी इस काम में बिजी होना है, तो ये काम करने के बाद फिर मिलती हूँ। तो सारे सब्जियों को मैंने धो के यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया है। जब सब्जी सूख जाएंगे तो फ्रीज में मैं सारे सब्जी रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता की जो जड़ है ना वो तोड़ के फिर धो के रखा है। और इसको कोई भी डब्बे में स्टोर करके रखोगे तो बहुत दिन तक आपके धनिया पत्ता जो है फ्रेश रहेगा। और ये मिर्च का भी एक ट्रिक है, मिर्च के जो डंडे होते हैं ना वो आप अगर तोड़ के ऐसे रखोगे तो मिर्च बहुत दिन तक अच्छे रहते हैं। और साथ में मैंने बनाया चाय की, और शाम के टाइम में चाय ना पीऊँ तो अच्छा नहीं लगता है, और हल्की फुल्की जब भूख लगती है तो चाय पीने से भूख भी मर जाती है। तो चाय पियेंगे अभी, तो आप भी आ जाइए गाइस चाय पीने के लिए। क्या हुआ, बाहर रख के आओ बेटा, ठीक है? हाँ बाहर रख के आओ, चाय। तो शाम के टाइम मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी। तो कटहल काट रही हूँ, तो जब भी आप कटहल काटें ना तो हाथ में तेल लगा के काटें, तो इससे जो है बाइट वाला जो गोंद रहता है ना वो चिपकेगा नहीं आपके हाथ में और कटहल अच्छे से कट जाएगा। अब कटहल को हम बॉईल करेंगे, इससे थोड़ा सा आपका कटहल जो है बॉईल हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएंगे जल्दी से। तो इसमें हमने डाला है थोड़ा सा नमक और हल्दी, आप चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, मैंने बाद में एक आलू भी ऐड किया था। इसको 10 मिनट
हमने पकाया है। 10 मिनट के बाद देखिए हमारी कटहल और आलू अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसको हम छान के निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हम फेंक देंगे। अब कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा, और आप चाहे तो इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। हमने खड़े मसाले नहीं डाला है, इसमें 2 या तेज पत्ता डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे तेज पत्ता और जीरा को, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हल्का पिंक कलर करके फ्राई करना है आपको। तो प्याज को देखिए हमने हल्का पिंक कलर करके फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम कुटी हुई अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और हल्का सा इनको भी भून लेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाए, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर की प्यूरी ऐड करने से आपकी ग्रेवी जो है थोड़ी सी थिक बनेगी और खाने में टेस्टी होगा। फिर इसमें हम सारे स्पाइसी ऐड कर देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। और फिर मसाले को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि आपके मसालों में से ऑयल ना निकल जाए। तो अच्छे से आपको मसाले को लो फ्लेम में फ्राई करते रहना है फ्रेंड्स। तो मसाला देखिए हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, मसालों में से ऑयल निकल गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने कटहल बॉईल करके रखा था वो कटहल, और मसालों के साथ अच्छे से मिला के 2 मिनट तक हम कटहल को फ्राई करेंगे। ऐसे कोई भी अगर सब्जी बनाना तो मसाले के साथ सब्जी फ्राई करने से सब्जी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो देखिए मसाले के साथ हमने कटहल को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे भी आपको डालना हो डाल सकते हैं। ग्रेवी अगर ज़्यादा रखना हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालिएगा। वैसे ही हमने कटहल को पहले ही बॉईल कर लिया था, तो 10 मिनट तक पकाया है हमने, और ग्रेवी जो है हमारी काफ़ी थिक हो गई है। अब इसमें हम लास्ट में ऐड कर देंगे गरम मसाला और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, और 2 मिनट तक फिर से हम पका लेंगे, और हमारी कटहल की सब्जी बन के रेडी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारी कटहल की सब्जी बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना है, खुशबू बहुत ही मस्त आ रहा है। अभी हम लोग डिनर करेंगे, तो आप भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि अभी कटहल का सीजन भी है और सब कटहल बना भी रहे हैं। तो मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया है वैसे ही ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आ जाइए आप सब भी हमारे साथ डिनर करने के लिए। तो डिनर करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, हमारा डिनर जो है हम लोगों ने कर लिया है, और बहुत ही टेस्टी था आज का डिनर हमारा। तो आज की ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं। तो आज की ब्लॉग अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर करना। न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे बेटे के साथ आप सबको बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स, और गुड नाइट फ्रेंड्स, और बोलो स्वीट ड्रीम फ्रेंड्स, स्वीट ड्रीम फ्रेंड्स। और आज मैंने बहुत बड़ा सा बिंदी लगाया, बंगाली लोग ना ऐसे ही बड़ा वाला बिंदी लगाते हैं। तो तो आप सब बताना जरूर कि मैं अपनी पहले बिंदी में कैसी लग रही हूँ। यार जिन कैसी लग रही हूँ, रियान भी हीरो लग रहा है ना। रियान की वाल देखिए, वाल बहुत बढ़िया लग रहा है, सिल्की सिल्की वाल है रियान का, और पूरा स्ट्रेट वाल है मेरी तरह ये रियान का। बाय बाय, मैं एक फ्लैंकी दे दो फ्रेंड्स को। ओहो।